नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जीआईटी में, जहां पे आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया और बेहतरीन वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं मोल्ड कूलिंग के ऊपर। इसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ कूलिंग चैनल फॉर कोर। दोस्तों, पिछले कूलिंग वाले वीडियो में हमने बात किया था कि कैविटी में कौन से सर्किट दिए जाते हैं और कूलिंग की महत्व क्या होता है और क्यों कूलिंग दिया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाके आप आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं, या तो हमारे चैनल के मोल्ड कूलिंग नामक प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियोस आप वहां भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कोर कूलिंग क्या होता है और उसमें स्पायरल कूलिंग, बबलर कूलिंग, बफेल कूलिंग क्या होता है, और इसके साथ ही जानेंगे 11 टाइप के कूलिंग टेक्निक सिस्टम जो कि कोर के लिए यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी टेक्निकल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, आइए एक झलक लेते हैं पिछले वीडियो का। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कूलिंग क्या होता है और क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोल्ड में पिघले हुए मटेरियल को जब इंजेक्ट किया जाता है तो उसको सोलिडिफाई करने के लिए एक फिक्स टाइम यानी निर्धारित समय तक उसको ठंडा किया जाता है मोल्ड के अंदर, और पानी सर्कुलेशन के द्वारा ठंडा किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कूलिंग कहते हैं और इसमें लगने वाला जो समय होता है उसको कूलिंग टाइम कहते हैं। और कूलिंग टाइम जो होता है आपका पूरे साइकिल टाइम का 55-70% हिस्सा होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कूलिंग टाइम का या कूलिंग का महत्व क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम बैड कूलिंग देते हैं तो आपका साइकिल टाइम ज्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन लेस हो जाता है, या क्वालिटी प्रोडक्ट की बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक उसके उलट यदि हम अच्छा कूलिंग देते हैं तो आपका साइकिल टाइम कम हो जाता है क्योंकि कूलिंग टाइम कम हो जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है क्योंकि साइकिल टाइम कम हो जाता है, और बेटर और बेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कोर में यानी कि जो मोल्ड का कोर होता है उसमें या कोर इंसर्ट में कितने प्रकार की कूलिंग दी जाती है, कौन कौन से चैनल्स यूज किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है एंगल होल सिस्टम, अगला है आपका बफल विद स्ट्रेट होल, स्टेप्ड सर्किट सिस्टम, मल्टीपल सर्किट सिस्टम, आपका सर्कुलर मिल्ड ग्रुप सर्किट, रेक्टेंगुलर मिल्ड ग्रुप सर्किट, हेलिकल कूलिंग चैनल या स्पाइरल कूलिंग इंसर्ट कह लीजिए, बेफेल होल विद मिलिंग चैनल, बेफेल होल सिस्टम फॉर स्मॉल इंसर्ट्स, बबलर कूलिंग सिस्टम और स्पाइरल प्लग सिस्टम। ये टोटल 11 टाइप के कूलिंग्स होते हैं जो कि आपके कोर में या पंच में या कोर इंसर्ट में यूज किए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ स्पेशल कूलिंग होते हैं, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आइए अब इस 11 कूलिंग के बारे में हम एक एक करके चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है आपका एंगल होल सिस्टम। दोस्तों, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एंगुलर होल कर दिया जाता है जो कि एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और वाटर फ्लो वे बना लेते हैं। और दोस्तों, प्लग करके हम केवल इन और आउट को छोड़ दिया जाता है जो कि पूरा कूलिंग सर्किट पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार के कूलिंग चैनल्स को हम एंगल होल सिस्टम कूलिंग चैनल कहते हैं, जो कि कोर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों स्टेप्ड सर्किट। इस प्रकार के कूलिंग में स्ट्रेट होल की मदद से स्टेप सर्किट बनाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में, और जहां पे जरूरत नहीं होती है वहां पे हम प्लग कर देते हैं। जो प्रोडक्ट वाला हिस्सा होता है उसको कॉपर से या ब्रास से या एल्यूमिनियम से प्लग करके मैच कर दिया जाता है प्रोडक्ट के शेप के अनुसार। इसमें प्लग करके केवल इन आउट को ओपन रखा जाता है और कूलिंग सर्किट पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार का सर्किट जो होता है स्टेप सर्किट होता है। अगला है बैफल विद स्ट्रेट होल्स। दोस्तों, जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे होंगे, इसमें स्ट्रेट होल मारकर बफल फिक्स कर दिया जाता है। बफल क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, इस टाइप के बफल आते हैं जो कि आपके अंत में ऊपरी हिस्से में आपका यू ग्रुप या वी ग्रुप कटा रहता है, जिससे वाटर सर्कुलेशन हो सके। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को बफल विद स्ट्रेट होल कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला है दोस्तों मल्टीपल सर्किट। मल्टीपल सर्किट का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें कई प्रकार के कूलिंग सर्किट यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एंगल कूलिंग सर्किट भी है, आपका स्ट्रेट होल सर्किट भी है। तो इस प्रकार के जो सर्किट होते हैं, जो वहाँ पे एक ही मोल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट यूज किए जाते हैं, उसको मल्टीपल कूलिंग सर्किट कहते हैं।
अगला है दोस्तों सर्कुलर मिल्ड ग्रुप सर्किट। यह गोल प्रोडक्ट जो होता है उसको बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका ड्रम का लीड हो गया यानी कि ढक्कन, या बाल्टी का लीड हो गया यानी कि ढक्कन। इसके जो कोर होते हैं उसमें इस प्रकार का कूलिंग दिया जाता है जिसको मिलिंग की मदद से ग्रूव कर लिया जाता है और उसमें कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। या मैक्सिमम आपका 70-80 mm तक के कोर को ठंडा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला है रेक्टेंगुलर मिल्ड ग्रुप सर्किट। ये सेम उसका भाई होता है, बड़ा भाई होता है, जो स्क्वायर कूलिंग सिस्टम होता है या स्क्वायर प्रोडक्ट होता है उसके लिए, जैसे लीड हो गया आपका स्क्वायर बॉक्स का या आपके डस्टबिन का, उस प्रकार के मोल्ड में इस टाइप का कूलिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लाइव एग्जांपल एक मोल्ड में देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि मिलिंग की मदद से ग्रूव बना दी जाती है जिसमें आपका कूलिंग पाथ या कूलिंग वे बन जाता है और उसकी मदद से कूल हो जाता है आपका मोल्ड और प्रोडक्ट। अगला है दोस्तों हेलिकल कूलिंग चैनल या स्पाइरल कूलिंग इंसर्ट। इसमें क्या होता है, जो कोर होता है कोर इंसर्ट, उसको बोर कर लिया जाता है, आपका ब्लाइंड बोर कर लिया जाता है पीछे से, और उसमें आपका हेलिकल इंसर्ट कर दिया जाता है जो कि कूलिंग को प्रोवाइड करता है, चारों तरफ घूम घूम के आपका कूलिंग प्रोवाइड करता है और सरफेस के कोर को ठंडा करता है। दोस्तों इसमें इंसर्ट जो होता है या तो नायलॉन का बनाया जाता है या तो आपका ब्रास का बनाया जाता है या कॉपर का बनाया जाता है, जिसमें कॉपर जो होता है काफ़ी इफिशियंट होता है क्योंकि कॉपर जो होता है आपका हीट ट्रांसफर रेट सबसे अच्छा होता है, परंतु कॉपर जो होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए मैक्सिमम अब हर जगह नायलॉन का हेलिकल या स्पाइरल कूलिंग इंसर्ट यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में व्हाइट कलर का देख पा रहे होंगे। दोस्तों अगला है बफेल होल विद मिल चैनल। दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, आपका जैसे कोर राउंड है या स्ट्रेट है कैसा भी है, तो उसमें आपका पहले आपका मिलिंग से चैनल बना दिया जाता है, फिर ड्रिल की मदद से ड्रिल करके वहां पे बफेल्स डाल दिए जाते हैं, स्ट्रेट बफेल्स, और इसके भी लास्ट में आपका वी ग्रुप बना होता है जो कि वाटर सर्कुलेशन को बहुत ही ईजिली पास करने में मदद प्रदान करता है। अगला है दोस्तों बफेल होल सिस्टम फॉर स्मॉल इंसर्ट। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे इंसर्ट जो होते हैं कोर इंसर्ट होते हैं ज्यादातर फिटिंग्स के मोल्ड में, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, एक बोल्स्टर की मदद से या तो आप कोर होल्डर कह लीजिए उसकी मदद से होल्ड करके रखा जाता है और आपके सारे इंसर्ट में छोटे छोटे बफल्स डाल दिए जाते हैं जो कि एक चैनल से कनेक्ट होते हैं और सर्किट का रूप ले लेते हैं, तो इस प्रकार के कूलिंग सर्किट को यूज किया जाता है आपके छोटे इंसर्ट्स के लिए, बफेल होल सिस्टम फॉर स्मॉल इंसर्ट्स। अगला दोस्तों बबलर कूलिंग सिस्टम। बबलर कूलिंग सिस्टम क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, इसमें एक पाइप डाल दिया जाता है, जैसे ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं कूलिंग सिस्टम, यहाँ पे आपका पाइप डाल दिया जाता है जिस पाइप की मदद से आपका जेटिंग होता है आपके कोर पे और आउटलेट से कूलेंट जो है बाहर चला जाता है। इसमें दोस्तों आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पे कॉपर का एक बबलर ट्यूब डाला हुआ है, इसको ही बबलर कहते हैं, जो पाइप होता है उसको बबलर कहते हैं, बबलर ट्यूब डाला हुआ है और इनलेट से जब वाटर आता है तो आपका कूलिंग करता है आपके पंच को, कोर को, यह ज़्यादातर लंबे कोर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे आपका इनलेट से आउट आया और पाइप से होते हुए कोर को ठंडा करते हुए आपका बाहर निकल जाता है, तो इस प्रकार के कूलिंग को बबलर कूलिंग सिस्टम कहते हैं। अगला है दोस्तों स्पाइरल प्लग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें भी पंच को पीछे से ब्लाइंड बोर कर लिया जाता है और इसमें स्पाइरल प्लग, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, उसमें फिक्स्ड कर दिया जाता है जो कि कूलिंग चैनल की मदद से घूमते हुए पूरे चैनल को ठंडा करता है और कोर को ठंडा करता है। दोस्तों यह कोर कूलिंग से रिलेटेड वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, और यदि आपको पसंद आया तो कृपया करके लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए और आपके पास तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों यदि आपका कोई सुझाव है, प्रश्न है या किसी भी सब्जेक्ट पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में वह बता सकते हैं, हम जरूर से जरूर कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव पर अमल किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।